तो स्वागत है आप सबका। आज हम पूनम पांडे पे थोड़ी बहुत कमेंट्री करेंगे, और अगर आपको उसके नए गपागप वाले वीडियो का लिंक चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं आपको 100% उस वीडियो का लिंक दूंगा। तो आजकल हमारे देश में तीन चीजें काफी फेमस है। पहला, हार्दिक पांडे की टीम इंडिया से विदाई। दूसरा, दीपक कलाल की पिटाई। और तीसरा, पूनम पांडे की चुदाई। मैं हार्दिक पांडे की विदाई पे बात कर चुका हूँ, मुझे दीपक कलाल की पिटाई पे बात नहीं करना क्योंकि वो फेक है। तो इसलिए आज हम पूनम पांडे की चुदाई पे बात करेंगे। तो हमारे पूनम दीदी ने अपने 1 मिनट की चुदाई का वीडियो इंस्टाग्राम पे डाला था। मुझे ये नहीं मालूम उन्होंने 1 मिनट का वीडियो इसलिए डाला कि इंस्टाग्राम पे सिर्फ 1 मिनट का डलता है, या इसलिए डाला कि उसका बॉयफ्रेंड 1 मिनट में खत्म हो गया। खैर, वो पूनम दीदी का पर्सनल मैटर है। मैं तो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मैंने पूनम दीदी का वीडियो पूरा देखा, और पूरे वीडियो में पूनम दीदी का सिर्फ निपल्स दिख रहा है, वो भी एक बार। अब मुझे ये नहीं पता हमारे देश के नौजवान उसके निपल्स देखने के लिए इतनी उतावली क्यों, ऐसा लग रहा है उधर निपल्स ने फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर ही लटक रहे हो बहनचोद। और हमारी सनी लियोनी क्या सोच रही कि मैंने इस देश के लिए क्या क्या नहीं किया, कितना कुछ अंदर लिया, कितनों का अंदर लिया, देश को सारा शरीर दिखा दिया, शरीर के सारे छेद दिखा दिए, लेकिन फिर भी ये चूतिया निपल्स के पीछे पागल है। बेचारी सनी लियोनी भी सोच रही कि काश मैं भी निपल्स दिखा के फेमस हो जाती तो मुझे आज लोग रैंडी ऑर्टन नहीं बुलाते। खैर छोड़िए, और हमारे पूनम पांडे का ये पहली बार नहीं है, वो इंस्टाग्राम पे पहले भी वस्त्र हरण कर चुकी है। जब हमारी टीम इंडिया एशिया कप का फाइनल जीत गया, इन्होंने डाल दिया फिर से एक वस्त्र हरण करके इंस्टाग्राम पे पिक्चर। देखो मैं मानता हूँ टीम इंडिया जीती वो खुशी की बात है, तो उसके लिए आप पेड़े खिलाओ, रसगुल्ले खिलाओ, लेकिन नहीं, ये औरत तो कपड़े उतार के दूध पिलाने पे आ गई थी। देखो पूनम दीदी, आप जो पिक्चर्स डालते हो ना, छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, और बच्चे वो देख के ना बचपन से ही राम रहीम बन जाते हैं, जो उनके लिए बुरी बात है। इसलिए ऐसे पिक्चर्स ना थोड़े कम डाला करो। देखा ना मैं इस देश के बच्चों के लिए कितना सोचता हूँ, चलो अभी सब्सक्राइब करो मुझे। और हमारी पूनम दीदी सिर्फ वीआईपी नहीं रुकी, उन्होंने अपना एक ऐप भी निकाला है जहाँ पे वो सच में सब कुछ दिखाती है। वहाँ पे आपको सिर्फ निपल्स नहीं, निपल्स जहाँ चिपके होते वो भी दिखेगा। लेकिन एक बात है, वो ऐप फ्री में नहीं आता है, आपको पूनम पांडे का गांडे देखने के लिए पैसे चाहिए। लेकिन एक बात और भी है कि आपको वो कमेंटेटर भाई जिंदा ही आपके पैसे खर्च होने नहीं देगा। तो अब आप एक पेन और एक कागज लेके जो भी मैं बोलता हूँ वो आप नोट करो। PONHUB.NET इस वेबसाइट पे चले जाओ और आप पूनम पांडे सर्च करो, आपको उसके ऐप के, उसके इंस्टाग्राम के सारे वीडियोस फ्री में मिल जाएंगे। एंजॉय भाइयों। तो मैंने आपको लिंक बता के अपना वादा पूरा किया, अब तो सब्सक्राइब कर दो यार। तो बस वीडियो को आज हम ये पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो यार। और फेसबुक में भी हमारा एक पेज है, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी लाइक और फॉलो करो। चलो थैंक यू, बाय।